हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने जिस तरह से लास्ट सीरीज के बारे में पढ़ा था और आज उसी तरह से जैसे कि कल हम पढ़े थे वो था कोसी इंटीग्रल टेस्ट, वैसे ही आज हमारे पास और एक सीरीज टेस्ट है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कोई और एक वर्ड आए ना आए पर अल्टरनेट वर्ड जरूर आएगा, और अल्टरनेट वर्ड का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ जो वन सपोज ए चीज और बी चीज है जो दोनों एक दो बार रिपीट होते रहेंगे, ए बी ए बी ए बी, दैट्स मीन इट इज अल्टरनेट। जैसे कि हम यहाँ पर अगर सीरीज के बारे में बात करें तो वो सीरीज जो है एक बार आगे प्लस वैल्यू देगी फिर माइनस वैल्यू देगी, प्लस माइनस, नंबर भले ही बदलते रहे बट जो पोजिशन है वो मैथमेटिकल सिंबल्स की वो अल्टरनेट होती रहेगी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ अल्टरनेटिंग सीरीज। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है कि एन इनफाइनाइट सीरीज with the alternate positive and negative terms is called an alternate series। मतलब कि यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज होगी बट उसकी वैल्यूज प्लस माइनस ये चलता रहेगा। वो चीज को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, जैसे कोई सीरीज हमारे पास है जैसे कि ये है, तो यहाँ पर माइनस स्टार्टिंग प्लस से हो रहा है प्लस माइनस, तो मतलब यहाँ से हम थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये एग्जांपल हम अल्टरनेट सीरीज से कर सकते हैं। पर ये अल्टरनेट सीरीज से चेक करने के लिए हमें उसके दो कंडीशंस पढ़ने पड़ेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन सीरीज अल्टरनेट है वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लाइबनीज टेस्ट फॉर द अल्टरनेटिंग सीरीज, मतलब कि जो एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे उसे बाय द लाइबनीज टेस्ट, मतलब कि टेस्ट के दो फॉर्मूलाज अगर अप्लाई हो रहे हैं so that's why the alternate series is convergent। मतलब हमारे पास कन्वर्जन के लिए कंडीशंस है, ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशंस फेल हो रही हो या दोनों फेल हो रही हो तो भी हम बता सकते हैं कि द गिवन सीरीज ऑफ अल्टरनेटिंग इज डाइवर्जेंट। अब यहाँ पर हमारे पास पहली कंडीशन ये है कि हमें जो un दिया होगा, हम जो सीरीज का जैसे कि यहाँ पे माइनस वन एस यू एन बी एन करके दिया है, हम उसको un बोलेंगे। वो un का हम सबसे पहले मोड देंगे, मोड ऑफ un, फिर उसका एक टर्म प्लस लिखेंगे, यानी कि जो un का नंबर है उसके अंदर n की जगह पे n प्लस वन करेंगे, वो बनेगा मोड ऑफ un प्लस वन। यहाँ पर ये कंडीशन मैंने दो तरह से लिखी है, या तो un मोड un इज ग्रेटर देन मोड un प्लस वन, अदरवाइज मोड un वन मोड un प्लस वन इज लेस देन मोड un। ये दोनों कंडीशन सिमिलरली है, खाली इसमें याद ये रखना है कि ऑलवेज अवर un प्लस वन इज स्मॉलर देन un होना चाहिए, तो ये कंडीशन वन सेटिस्फाइड होगी। देन कंडीशन टू कि जो un दिया है वो un को लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखना है, और वो इनफाइनाइट रखते ही वैल्यूज क्या हो जानी चाहिए, जीरो। सो बाय द लाइबनीज टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, अगर दोनों में से कोई भी एक फेल हो रहा है तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो पहला सीरीज अल्टरनेट कैसे होगा प्लस और माइनस है, और अगर वो अल्टरनेट है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अब एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल नंबर वन, यहाँ पर ये सीरीज के अंदर हम चार एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास जो दिया है वो बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है जिससे हमें आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं ये अल्टरनेट है और उसका सीरीज भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, यस सॉल्यूशन से। सो सॉल्यूशन का सबसे पहला असूल क्या होगा कि हमें इसका यूएन आइडेंटिफाई करना है, तो ये जो सीरीज दी हुई है उसको हम यूएन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सो यूएन इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम n equal to 1 to infinite, ये हमारे 1 से लेके infinite values तक जाएगा। सबसे पहली value कि यहाँ पे plus और minus चल रहा है, तो आपका minus 1 raise to n minus 1 हर series में confirm रहेगा। Then after आपके denominator जो है उसको आपको set करना है, तो जो बाहर है वही root में है, तो यहाँ पर हम n root n लिख सकते हैं क्योंकि हम 1 से start करेंगे, अगर 1 रखेंगे तो 1 minus 1 0, और किसी का भी पावर जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, वन। सो वन यहाँ पर तो फिर रखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वन अपॉन वन तो वन ही होगा, सो आ गया वन। टू रखोगे तो टू माइनस वन विच इज माइनस वन, माइनस वन अपॉन टू इंटू रूट टू आ गया। मतलब कि ये सीरीज जो हमें इनफाइनाइट सेंस में दी थी हमने उसको इनफाइनाइटली बट फाइनाइट फॉर्म में लिखा है। ओके ना, उसके बाद मैंने बताया था कि यहां पर हमारे को ये लिखना होगा द गिवन
सीरीज इज अल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, मतलब कि हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो प्लस और माइनस होने की वजह से अल्टरनेटिंग सीरीज हो रही है ना। अब उसके बाद आपको उसका क्या करना है, मोड इवेंट डिफाइन करना है। सो मोड ऑफ इवेंट विच इज इक्वल टू मोड माइनस वन इज टू एन माइनस वन अपॉन एन अंडर रूट एन विच इज इक्वल टू वन अपॉन एन रूट एन। ये हमारा मोड इवेंट बना। नाउ हम क्या बनाएंगे, मोड यू एन प्लस वन। तो यहाँ पर जहां पर एन है उसकी जगह पर क्या रखेंगे, एन प्लस वन। सो वन अपॉन एन प्लस वन अंडर रूट एन प्लस वन। यहाँ पर कंडीशन वन जिसमें हमें मोड यूएन भी चाहिए था और मोड यूएन प्लस वन, तो हम क्या करेंगे इसका, हम लेंगे देयरफॉर मोड यूएन माइनस मोड यूएन प्लस वन का डिफरेंस। क्या लेंगे, डिफरेंस। तो ये होगा मोड यूएन वन अपॉन अंडर रूट एन इक्वल अंडर रूट एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन अंडर रूट एन प्लस वन। अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। वी ऑल नो दैट कि इसका एलसीएम लेंगे या तो क्रॉस प्रोडक्ट से इसका सिंप्लीफिकेशन होगा विच इज एन प्लस वन अंडर रूट एन प्लस वन माइनस एम टाइम्स रूट एन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन इंटू रूट एन इंटू रूट एन प्लस वन। यहाँ पर अब ये वैल्यूज मिल गई। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये वैल्यूज क्या मिलेगी। बट हम सबको पता है कि n के बारे में हमें खाली इतना ही पता है कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन दिस केसेस। तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी, मतलब कि कोई वैल्यूज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से ये पूरा टर्म नेगेटिव होगा, मतलब कि ये पूरी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब हमारा यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन क्या है कि मोड यू एन माइनस मोड यू एन प्लस वन इज ग्रेटर देन 0। अदरवाइज आप इसको ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि मोड यू एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड यू एन प्लस वन, जो हमारी कंडीशन वन का सेटिस्फेक्शन एरिया दिखा रही है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0 भी दिखा सकते हैं, या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मोड यू एन इज ग्रेटर देन मोड यू एन प्लस वन। नाउ दिस इज दियर कंडीशन नंबर वन। अब बारी आती है कंडीशन नंबर टू विच इज लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन। यहां पर यूएन क्या था हमारा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन ओवर एन रूट एन। तो एन की जगह पे हम क्या रखेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट द होल आंसर इज वन अपॉन इनफाइनाइट, द आंसर इज 0। मतलब कि कंडीशन टू भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, वन भी हो गया टू भी हो गया। सो क्या लिखेंगे, बाय द लाइबनिट्ज़ टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। मतलब कि यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो एग्जांपल हमें दिया हुआ है, हमने बाय द रूल ऑफ लाइबनिट्ज़ टेस्ट फॉर द अल्टरनेटिंग सीरीज दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने की वजह से इसे कन्वर्जन दिखाया। या तो ये फेल हो जाता या तो ये फेल हो जाता, दोनों में से कोई भी फेल होता है तो हम कह सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट है, कोई भी एक फेल हो सकता है, या तो ये, अगर दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो वो कन्वर्जेंट है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर टू। यहाँ पर और एक अपग्रेडेशन एग्जांपल लिया है जिसमें हम कंडीशंस भी चेक करेंगे पावर की और उसके साथ हम बाय द अल्टरनेटिंग सीरीज एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर जैसे जैसे चैप्टर एंड होते जाएगा आपके बहुत सारे टेस्ट या तो उसके याद रखने के फंडामेंटल्स भी चेंज होते जा रहे हैं। मतलब कि एंड ऑफ द चैप्टर्स आपको ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ हो जाएगा कि कौन से टेस्ट से हम एग्जांपल कर ले, इसलिए आपको हर एक टॉपिक के अंदर मैक्सिमम एग्जांपल की प्रैक्टिस करनी होगी जिससे आपको पता चल जाए कि हम ये टेस्ट से कर सकते हैं। हाँ, काफ़ी सारे एग्जांपल ऐसे हैं कि जो दोनों टेस्ट या तीन टेस्ट से भी हो सकते हैं बट उसमें आपका टाइम कंजम्पशन कम होगा, यानी कि ये आपका अल्टरनेटिंग सीरीज है तो ये दूसरे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं इस तरह से, बट ये एग्जांपल इस तरह से करने में हमारा टाइम कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यस सॉल्यूशन से करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा,
यहाँ पर un को डिफाइन करना है, तो व्हाट इज अवर un, विच इज माइनस वन रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन रेस टू टी। सो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन सीरीज इज अल्टरनेटिंग सीरीज। देन आफ्टर हम यहाँ पे इसका मोड ऑफ इवेंट करेंगे, क्योंकि हम सबको पता चल गया यहाँ पर ये सिंपल है। अब यहाँ पर उसका एन टेंस टू वन टू इनफाइनाइट लिख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने उसका मोड दिया है विच इज माइनस वन रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन रेस टू टी विच इज वन अपॉन एन रेस टू टी। वट अबाउट मोड ऑफ यू एन प्लस वन, क्योंकि हमने ऑल्टरनेटिव सीरीज दिखा दिया है। अब थोड़ा स्पीड में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत आसान है, इसको समझना भी इतना ईजी है कि जितना आप अपने रेगुलरली कोई कैलकुलेशन वर्क कर रहे हो जैसे। तो यहाँ पे इंटीग्रल क्या आ जाएगा एन प्लस वन रेस टू टी। सो बाय कंडीशन वन, बाय द कंडीशन वन क्या करेंगे कि मोड यू एन माइनस मोड यू एन प्लस वन का डिफरेंस लेंगे विच इज वन अपॉन एन रेस टू पी माइनस वन अपॉन एन प्लस वन रेस टू पी। अब यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा एन प्लस वन रेस टू पी माइनस एन रेस टू पी अपॉन एन प्लस वन रेस टू पी इंटू एन रेस टू पी। अब यहाँ पर आपको ऐसा होगा कि सर ये तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, इसमें दिक्कत कहाँ होगी? तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी ये पावर पी के बारे में। क्यों? क्योंकि पी के बारे में ना तो हम कुछ ज्यादा जानते हैं ना तो उसके बराबर कुछ जानते हैं, या तो यहाँ पर हमें ना तो पी के बारे में कोई टर्म्स कंडीशंस दी है। तो मतलब जब ऐसे कोई अननोन या अनडिफाइंड नंबर्स या कोई पावर आता है तो उसके बारे में दो केस हमें डिस्कस करने होते हैं कि केस वन कि पी इज ग्रेटर देन जीरो और केस टू कि पी इज लेस देन जीरो। इक्वल टू जीरो के बारे में चेक करना ही नहीं है, क्योंकि अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो ये ऐसे ही कन्वर्जन हो जाना है। ओके, तो पहले हम ग्रेटर देन जीरो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या होगा अगर p ग्रेटर देन जीरो? सिंपल सिंपल सी बात है समझने की कि p ग्रेटर देन जीरो मतलब कि p नंबर बड़ा है जीरो से। तो जीरो से बड़ा यानी कि वन टू थ्री कोई भी पावर हो सकता है, मतलब कि ये पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगा और पावर पॉजिटिव रहने की वजह से मोड ऑफ यू एन माइनस यू एन प्लस वन विच इज इक्वल टू एन प्लस वन रेस टू पी माइनस एन रेस टू पी अपॉन एन रेस टू पी इंटू एन प्लस वन रेस टू पी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर कंडीशन वन सेटिस्फाइड हो रही है विच इज मोड यू एन इज ग्रेटर देन मोड यू एन प्लस वन। नाउ कंडीशन टू की लिमिट n tends to infinite of un which is limit n tends to infinite 1 upon n raised to p, जहां पे हम n की जगह पे infinite रख रहे हैं। यहां पे p तो हमारा पॉजिटिव ही है, n की जगह पे infinite रख रहे हैं तो पूरा आंसर goes to 0, या तो equal to 0 लिख दो या तो goes to 0 लिख दो, both are the same condition। So by Leibniz test both the conditions are satisfied, the given series is convergent। अब हम बात करेंगे केस टू के अंदर जहां पर दिखाया है कि p is less than zero। p less than zero का मतलब हो रहा है कि यहां पर पावर जीरो से कम होगा, माइनस भी हो सकता है, माइनस ही होगा, हो सकता है क्या, क्योंकि यहां पे ये पावर माइनस होगा, ये माइनस, ये माइनस, मतलब कि ये पूरा आंसर कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव सेंस में ले जाएगा। और ये नेगेटिव सेंस में ले जाएगा मतलब कि ये कंडीशंस फेल हो जाएगी, हियर मोड यू एन माइनस मोड यू एन प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो कंडीशन आर फेल्ड, एंड ऑल्सो द लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट मोड यू एन टेंस टू जीरो दिस इज ऑल्सो अगेन फेल। तो यहां पे क्या लिखना है कि क्योंकि यहाँ पे अगर ये इनफाइनाइट माइनस में गया तो ये पावर ऊपर जाएगा और ये आंसर जीरो नहीं होगा और ये हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि पी का पावर क्या लेना है हमें माइनस, जिसकी वजह से ये ऊपर जाएगा और ये आंसर पूरा टेंस टू इनफाइनाइट होगा, मतलब ना तो ये जीरो होगा ना तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब कि हियर कंडीशन वन एंड टू बोथ आर फेल्स, hence their given series is
डाइवर्जेंट, मतलब कि यहां पर केस वन हमने जो ग्रेटर देन जीरो लिया और केस टू जो लेस देन जीरो लिया, दोनों के अंदर नया एग्जांपल था कहां कन्वर्जन हो रहा है और कहां डाइवर्जेंट हो रहा है, ये भी हमने आइडेंटिफाई करके दिखा दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं जिसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। थ्री ओके दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल नंबर थ्री आपको दिख रहा है, यहाँ पर अब एक नए तरीके से एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने देखा कि ये एग्जाम्पल के अंदर ना तो अल्टरनेटिंग सीरीज आइडेंटिफाई करना है ना तो उसकी सीरीज बनानी है। ऑलरेडी हमें समेशन फॉर्म दे दिया है, बस खाली हमें उसको सॉल्व करना है और दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। सो एग्जाम्पल नंबर थ्री कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। सो सॉल्यूशन जिसकी हमें आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है कि इट इज अवर यू एन विच इज माइनस वन रेस टू एन प्लस वन अपॉन लॉग एन प्लस वन। तो यहाँ पर जो यू एन दिया है उससे हम पहले लिखते हैं जब गिवन सीरीज इज अल्टरनेटिंग सीरीज, मतलब कि इससे ये पता चल जाएगा कि हमें अल्टरनेटिंग सीरीज मिल गई है और इस वजह से हम यहाँ पे दो कंडीशंस के एग्जांपल्स को सेटिस्फाइड करेंगे। नाउ इसका हम मोड यूएन करेंगे, सो मोड माइनस वन रेस टू एन प्लस वन अपॉन लॉग एन प्लस वन विच इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग एन प्लस वन। नाउ क्रिएट अवर यू एन प्लस वन विच इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग एन प्लस वन, जहां पर एन है एन की जगह पर एन प्लस वन करना है तो एन प्लस वन हो जाएगा एन प्लस टू। नाउ चेकिंग दी कंडीशन नंबर वन विच इज मोड यू एन माइनस मोड यू एन प्लस वन, सो वन अपॉन लॉग एन प्लस वन माइनस वन अपॉन लॉग एन प्लस टू। इसका एलसीएम क्या आएगा, लॉग एन प्लस टू माइनस लॉग एन प्लस वन अपॉन लॉग एन प्लस वन इंटू लॉग एन प्लस टू। यहाँ पे ना तो हमें कोई लॉगरिथम के फंडामेंटल्स को सॉल्व करना है ना तो उसके लिए हमें सोचना है, खाली हमें क्या याद करना है कि ये वैल्यूज पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। मैंने जिस तरह से बताया था कि ऐसे एग्जांपल्स जहाँ पे भी आपको कोई कंडीशन नहीं दी है, वेन एवर कंडीशन नॉट गिवन द फॉर्म ऑफ एन यू अज्यूम दैट एज एन ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि हमारे एन को हमने पॉजिटिव ही मान लेना है। ये एन दिया है इन द फॉर्म ऑफ दिस कंडीशन और जो एन हम एज्यूम कर रहे हैं वो है फंक्शन के लिए वैल्यूज के, यहाँ पर इसका एक्सपांसन जो करना है वो एन के लिए है। सो अब यहाँ पर ये वैल्यूज आप अगर कोई भी वैल्यू एन की पॉजिटिव ला दो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन जीरो। सो दैट्स व्हाई द गिवन यू एन माइनस यू एन प्लस वन विच इज ग्रेटर देन जीरो, सो देयरफॉर मोड यू एन इज ग्रेटर देन मोड यू एन प्लस वन, मतलब कि कंडीशन वन सेटिस्फाइड। नाउ फॉर द कंडीशन नंबर टू विच इज लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन अपॉन लॉग एन प्लस वन। अब यहाँ पर एन टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये पूरा इनफाइनाइट प्लस वन विच इज लॉग इनफाइनाइट एंड लॉग इनफाइनाइट विच इज ऑल्सो जीरो। सो बाय द लाइबनीज टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, मतलब कि जो हमने पढ़ा है कि फॉर द ऑल्टरनेटिंग सीरीज हमें लाइबनीज टेस्ट के दो फॉर्मूला या तो दो बेसिक कंडीशंस याद रहने चाहिए और वो दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए। सो अगर दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो कन्वर्जेंट, कोई भी एक फेल हो रहा है तो डाइवर्जेंट, आगे के एग्जाम्पल में हमने देखा था उस तरह से। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर थ्री के अंदर क्या डिफरेंस ही काम है कि एक सीरीज अल्टरनेट करके दी हुई है जो हम अब तक बनाते थे। अब एग्जाम्पल नंबर फोर, जो एग्जाम्पल नंबर फोर है वो सेम फॉर्मेट से है, बस उसके अंदर हमने अब तक के एग्जाम्पल में कहीं पे एक्स नहीं दिखा था, यहाँ पर एक्स बी दिया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल नंबर फोर भी अलग डिफरेंट टाइप का है। पहला एग्जाम्पल हमने सिंपल बहुत बेसिक पढ़ा, दूसरे एग्जाम्पल में हमने बेसिक के साथ साथ एक केस के बारे में भी पढ़ा कि पी अगर केस में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देन आफ्टर थर्ड वन जहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ों को बना के हुए दिया है बट उसे हमें खाली सॉल्व करना है कि हमें इसको कैसे कन्वर्जन और डाइवर्जन दिखा सकते हैं। एंड द लास्ट वन एग्जाम्पल जो हमें दिखा रहे हैं वो है कि जहाँ पर एक्स इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सॉल्यूशन से करेंगे।
तो सबसे पहला काम हमारा इसका यूएन बनाने का है। तो यूएन में पहले नाम से स्टार्ट होगा सबमिशन एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट। पहले ही कि ऑल्टरनेट चल रहा है यानी कि ये प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्या आ जाएगा इसका माइनस वन रेस टू एन माइनस वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेस टू फोर, मतलब कि एक्स रेस टू एन क्यू एन लिखेंगे क्योंकि एक्स का पावर वन से स्टार्ट हो रहा है, एन भी वन से स्टार्ट कर रहे अपॉन, जैसे x का पावर है वैसे उसका नीचे n, तो ये नीचे n आ जाएगा। अब अगर इसका एक्सपांशन भी आप पढ़ोगे या इसको सॉल्व करोगे तो ये सेम केस बनेगा। एक नेसेसरी कंडीशन जो दी हुई है वो है x इज लेस देन 1। इसका हालांकि जरूरत हमें जब पड़ेगी तब मैं आपको आइडेंटिफाई कराऊंगा, बट ये चीज को याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ लिया है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद 4 के सोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या आएगा फोर्थ का सॉल्यूशन, कि ये डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जन। तो सबसे पहली चीज कि यूएन बन चुका है, यहां पे लिखेंगे कि द गिवन सीरीज इज अल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, देन आफ्टर यूएन से क्या बनाएंगे, इसका मोड यूएन बनाएंगे विच इज मोड माइनस वन रेस टू एन x is to n upon n, तो ये निकल जाएगा minus 1 is to n, तो बचेगा क्या x is to n by n। What about mod un plus 1 which is x is to n plus 1 upon n plus 1, क्यों खाली हमें n को n plus 1 से replace करना है। Now condition number 1 which is mod of un minus mod of un plus 1 x is to n upon n minus x is to n plus 1 upon n plus 1। तो यहां पर LCM लेंगे which is x is to n into n plus 1 minus n times x is to n plus 1 को can be write into x form upon n into n plus 1। अब यहाँ पर आपको ये हो रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको प्लस वन रखते हैं। अब इसका हम एक्सपांशन कर देते हैं, सो एक्स रेस टू एन इंटू एन प्लस एक्स रेस टू एन माइनस एन टाइम्स एक्स रेस टू एन इंटू एक्स। हमने ये पावर को क्यों अलग लिखा, ताकि ये एन इंटू एक्स रेस टू एन एन इंटू एक्स रेस टू एन कॉमन निकल सकता है, नीचे का ब्रैकेट कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से x is to n, x is to n, x is to n, सभी में से कॉमन निकल जाएंगे, यहां पर भी n है और यहां पर भी n है, तो n भी कॉमन निकल जाएगा। ये टर्म प्लस 1 है, इसको हम वापस से लास्ट में लिखेंगे क्योंकि x is to n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एज इट इज। और ये दोनों टर्म को हम साथ में रख रहे हैं, ये टर्म हमने लास्ट में लिखा है, तो ये दोनों टर्म में से n x is to n अलग अलग कॉमन निकले, तो बचेगा क्या खाली अंदर ये 1 और इसका माइनस x। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको साथ में लिख दो, इसको लास्ट में लिखो, फिर सभी में से x is to n एक टर्म और बच आपका बढ़ेगा, फिर आप इसके में से n कॉमन निकाल के ये टर्म भी लिख सकते हो, इसको साथ में सब कुछ आता है वो साथ में लिख सकता है, और नीचे का टर्म n into n plus 1 as it is। अब मैंने बताया था कि बेसिकली अगर n के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हमारा n पॉजिटिव ही रहेगा, x हमारा लेस देन 1 है। अब यहां पर ये सबको फायदा होगा कि ये लेस देन 1 है या जो भी नंबर्स है, हमारे पावर्स में n पॉजिटिव है, n पॉजिटिव होता ही जाएगा पॉजिटिव होता जाएगा, यहां पर x लेस देन 1 है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि हमारा पूरा टर्म ग्रेटर देन 0 हो गया। सो दैट्स व्हाई कंडीशन 1 कि मोड un माइनस मोड un प्लस 1 which is greater than 0 and therefore mod un is greater than mod un plus 1, मतलब कि कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड हो चुकी है। नाउ कंडीशन नंबर 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ un व्हिच इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 सॉरी x रेस टू n अपॉन n। अब यहां पर आप सबको वैल्यूज को रखना है, यहाँ पर बाय द डिफरेंशिएशन रो, अगर यहाँ पर हम दो चीज करेंगे, यहाँ पर ये चीज है कि यहाँ पर इनफाइनाइट होगा
देखने जैसी चीजें यहाँ पर ये वैल्यूज रखेंगे, x की वैल्यूज रखेंगे, पावर भी इनफाइनाइट है मतलब वो इनफाइनाइट हो जाएगा और ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ये वापिस से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, ये भी इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट, अब दोनों इनफाइनाइट हो गए। चलो ये नहीं होता ऊपर का खाली एन होता तो हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं, पर यहाँ पे दोनों जगह पे इनफाइनाइट आ गए तो अब ये कैसे जीरो बनेगा, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। आपको ये याद करना है कि x क्या है, लेस देन वन, अगर ये कोई भी वैल्यू लेस देन वन है, अगर यहाँ पे लेस देन वन यानी यहाँ पे इसको हम एज्यूम कर लेंगे 0.1, तो अगर उसका इनफाइनाइट पावर करोगे तो वो वैल्यूज भी नियर बाय जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये पावर 0.0000.1 हो जाएगा, ये भी जीरो अपॉन इनफाइनाइट, ये भी जीरो, मतलब कि ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म नहीं है, ये ऑलरेडी वैल्यूज हमें जीरो दी है बिकॉज ऑफ एक्स इज लेस देन वन, दिस वन इज ऑल्सो जीरो एंड बाय इनफाइनाइट, अगर एन की जगह पर रखेंगे तो ये भी जीरो, तो मतलब पूरा आंसर जीरो हो रहा है। Hence, by the Leibniz test, the given series is convergent. मतलब कि यहाँ पर हमने चार एग्जाम्पल देखे जिसमें थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स के अंदर हमने ट्विस्ट देखे, थोड़े बहुत जो हम जानते थे उसका हमने सिंप्लीफिकेशन किया। हमको पूरे एग्जाम्पल के अंदर दो चीज़ें खास याद रखनी है, एक कि ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज बन रहा है और वो कौन सी सीरीज बन रही है, और दूसरा है उसके लाइबनीज टेस्ट के अंदर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ यू एन विच इज गोज टू जीरो एंड मोर यू एन इज ग्रेटर देन मोर यू एन प्लस वन। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड करते हैं या तो ये दोनों में से कोई फेल होता है तो वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट फॉर्म दिखाएगा। आई थिंक सो आप लोगों को ऑल्टरनेट सीरीज में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।